इंदौर के इस्पा और मसाज सेंटर इन दोनों पुलिस के टारगेट में हैं। जी हाँ, पुलिस ने इन दिनों इंदौर के स्पा और मसाज सेंटरों को निशाना बनाते हुए यहाँ पर लगातार छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस द्वारा यहाँ पर लगातार कार्रवाई करने के कारण स्पा चलाने वाले संचालकों में भारी हड़बड़ी मची हुई है और कल भी पुलिस द्वारा इंदौर में स्पा सेंटरों में छापे मारे गए। कुल मिलाकर विजयनगर क्षेत्र में 2 स्पा सेंटर पर छापा मारने के लिए पुलिसकर्मी ग्राहक बनकर गए, लेकिन यहाँ काम करने वाली युवतियों ने जवानों को पहचान लिया। इसके बाद कार्रवाई किए बगैर जवान लौट आए, लेकिन लसुड़िया थाना क्षेत्र में स्पा सेंटर में गए तो छापे मारने में सफलता मिली। पुलिस ने यहाँ पर स्पा सेंटर संचालिका सहित 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। SSP शैलेंद्र सिंह चौहान का कहना है कि सूचना की तस्दीक करने के लिए होटल 1011 स्थित ब्लू ओशन स्पा सेंटर पर भी कार्रवाई की गई। टीम ने छात्र हिमांशु पांडे निवासी सतना, आकाश बागड़ी निवासी प्रेम एवेन्यू कॉलोनी उज्जैन, दीपक चंदेल निवासी बुधवारिया उज्जैन, सौरभ सेन निवासी साईं श्रद्धा कॉलोनी इंदौर, कैलाश चौधरी और कविंद्र जैन दोनों निवासी साकेत नगर इंदौर, पवन झलारिया निवासी संचार नगर इंदौर सहित एक अन्य को गिरफ्तार किया है। इनके साथ बिचौली मर्दाना निवासी स्पा सेंटर संचालिका सहित 5 युवतियों को गिरफ्तार किया गया है। इधर संयुक्तगंज पुलिस द्वारा उर्वशी अपार्टमेंट स्थित क्रिसल स्पा से संचालिका सहित 4 युवतियों तथा 1 युवक आशीष परमार निवासी नंदन नगर को गिरफ्तार किया गया है। कुल मिलाकर सवाल इस बात का है कि स्पा सेंटर और मसाज सेंटर में छापे क्यों डाले जा रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि यहाँ पर लगातार पुलिस को अनैतिक कार्य होने की सूचनाएं मिल रही थी और यह बताया जा रहा था कि यहाँ पर सेक्स रैकेट चलाए जाते हैं।